नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और नवंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 7 से 30 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे, मंगल कर्क राशि में रहेंगे पूरे ही महीने, बुध जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे ही महीने और सूर्य जो है वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस महीने शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को, ये ट्रांजिट है इस महीने का। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा और इस महीने मंगल आपके लग्न के अंदर स्थित है। मंगल जो है वो आपका 10th लॉर्ड भी है और आपका पंचम भाव का स्वामी भी है। देखिए, दशमेश बनकर जब मंगल लग्न में होंगे ये एक तरह से व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाते हैं। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में नीचस्त है बहुत ज़्यादा, तो ये नीच की राशि होने की वजह से आपके स्वभाव के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आप एक तरह से कहा जाए कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे और एक डोमिनेटिंग अप्रोच होता है जो ये मंगल क्रिएट करता है। यहाँ लग्न का मंगल जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन भी देता है, मगर यहाँ पर आप के साथ लोगों का काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है अपने स्वभाव में शांति रखिएगा, जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, ये उतावलापन भी देता है। आप जिस प्रकार से चाहेंगे वैसा कार्य उतने समय के अंदर होना और न होने पर ये व्यक्ति के मानसिकता को डिस्टर्ब करता है, तो ये चीज़ पर आपको कंट्रोल लाना है इस महीने, तो इस महीने में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। 10th लॉर्ड की पोजीशन नीचस्थ है मंगल, तो यही कहूँगी कि करियर में आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। यहाँ पर जो रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आप एक तरह से कहा जाए कि जो भी लोग मेडिसिन क्षेत्र में हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूँगी मैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं, द्वितीयेश सूर्य बनकर आपके चतुर्थ भाव में और बाद में पंचम भाव में है। देखिए, सेकंड लॉर्ड आपके नीचस्थ है पहले 15 दिन तक, उसके बाद वो पंचम भाव में आएंगे और बुध के साथ युति बनाएंगे, तो ये एक तरह से कहा जाए कि वाणी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर 15 तारीख के बाद की परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ आपके कार्य में वाणी का एक सही उपयोग कर पाएंगे। यहाँ सेविंग्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सेविंग्स में ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, शुरू के 15 दिन इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर इतना मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितना आप परिवार में शांति रखेंगे बहुत ज़्यादा एक तरह से विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं, तृतीयेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है। ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, यहाँ पर कंटिन्यूस बेस पर आपके कार्य में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन कहीं पर भी होता है तो ये एकदम से कंफर्ट जोन नहीं देगा, बट आप बहुत सारी लर्निंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वभाव में शांति रखेगा। अगर कोई भी प्रकार की झगड़े की प्रक्रिया है तो उससे दूर रहना है। यहाँ अगर जॉइंट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें अभी आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश शुक्र बनकर पंचम भाव में और 7 तारीख के बाद आपके छठे घर में है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी प्रकार का विवाद मुझे लगता है 7 से 30 के बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकता है और यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में 7 तारीख के बाद की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर कहूँ कि बहुत ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बनता है, तो प्रॉपर्टी के कार्य बनेंगे ज़रूर, कभी कभी ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में, तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। शुरू के 15 दिन हार्ट से कनेक्टेड जिनके भी समस्या है उनको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके
पंचम भाव के पंचमेश मंगल बनकर नीचस्थ है लग्न में, और पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि पंचमेश जो है वो नीचस्थ है। लव रिलेशनशिप में इस समय में ब्रेकअप की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, तो आप बहुत यहाँ पर रिलेशन को बहुत शांति से और बहुत ध्यानपूर्वक चलाइएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आप रिएक्टिव होते हैं तो हो सकता है कि आपके संबंधों में खटास आने की संभावनाएं ज़्यादा है, और ये रिलेशनशिप की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कभी कभी परिस्थितियाँ आपके स्वभाव की वजह से ये चीज़ें क्रिएट ना हो, या मल्टीपल रिलेशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जो सर्जन्स बनना चाहते हैं, जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि जो इस तरह का एजुकेशन लेना चाहते हैं, और स्पेशली जो लॉ के, जो आईटी प्रोफेशन में, जो मेडिकल प्रोफेशन में, उन सब के लिए बेहतर परिस्थिति है। मगर स्टूडेंट को रिलेशनशिप के भटकाव से दूर रहना है, क्योंकि उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, मगर रिजल्ट आपको ग्रेजुअली उतने मिलेंगे नहीं। शेयर मार्केट से इस महीने बहुत लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि बुध यहाँ पर 12th लॉर्ड बनकर बैठे हैं, तो यहाँ बहुत बड़े रिस्क उठाते हैं, तो आपको नुकसान होगा। हो सके तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट में इस महीने बहुत लाभ नहीं नज़र आते। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस के 6th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर वक्री हैं। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आप प्रॉपर्टी का लोन लेना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, उसमें थोड़े से डीलेज होंगे, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि इस समय में 7 तारीख के बाद आपके प्रॉपर्टी के लोन के या किसी भी प्रकार के काम बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ आप बहुत कैलकुलेटिव रिस्क उठाइएगा। जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चीज़ 7 तारीख के बाद शुगर रिलेटेड इश्यूज जिसके भी हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में है, वक्र अवस्था में है, अब मार्गी होंगे। देखिए, 15 तारीख के बाद मुझे लगता है कि शनि का मार्गी होना, अगर गृहस्थ जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर बहुत उच्च है। ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि जो लोग बिजनेस या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, मटेरियल के बिजनेस में हैं, मेडिकल बिजनेस में हैं, उनको लाभ है। 15 तारीख के बाद आप गृहस्थ जीवन में अगर कोई बहुत बड़े क्लैश या विवाद चल रहे हैं तो उसे बैठकर सुलझा पाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा उलझने से बचना है हो सके, क्योंकि ये ईगो क्लैश करवाता है गृहस्थ जीवन में। यहाँ रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना भी चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, संबंध को अभी भी थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। और यहाँ आप जो कार्य बनाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि वक्री है, 15 तारीख से मार्गी होंगे। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर शुरू के 15 दिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, और बहुत जल्दी कार्य करना होता है उसे। यहाँ शनि मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि ये आईटी क्षेत्र और रिसर्च बेस्ड जो भी काम करना चाहते हैं उनके लिए एक्सेलेंट परिस्थिति है। उनको अगर उनके कार्य पर फोकस्ड करेंगे तो इस समय में बहुत लाभ होगा। व्हीकल चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने में आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश गुरु बनकर लाभ स्थान में वक्री हैं, और यहाँ पर राहु है। लाभ के अंदर ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर भाग्य का जो एक सपोर्ट होना चाहिए, वक्री होने की वजह से थोड़े से आपको डीलेस महसूस होंगे। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन की बढ़ोतरी है, मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो भी एक तरह से कहा जाए कि PhD करना चाहते हैं, और स्पेशली जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, और मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये समय का आपको लाभ लेना चाहिए।
दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश मंगल बनकर लग्न में है नीचस्थ, कार्यस्थल में आपको अथॉरिटीज दी जाएगी, मगर हो सकता है कि वो अथॉरिटीज को आप निभाने में बहुत जल्दबाजी करें। ये दशमेश का लग्न में होना एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग है कि आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और यहाँ पर आसपास के एनवायरनमेंट में काम करने में आपको समस्या होगी, तो आपको कार्यस्थल पर कहीं पर भी डोमिनेटिंग अप्रोच नहीं रखना, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं करना लोगों पर, क्योंकि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो आप बहुत कुछ जो बनाना चाहते हैं उसकी जगह वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थिति होती है कि उसे अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी लग्न में होगा तो वो काफ़ी अच्छे कार्य कर पाता है, मगर ये नीचस्थ है इस वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में कार्य करने में डिस्टर्बिंग पोजीशन हो जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत शांति से बहुत संयम से कार्य करना है, कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ भी नहीं उलझना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव इस समय में ना किए जाए तो अच्छा है, मगर ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में है, 11th हाउस में गुरु वक्री है, ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको एक तरह से आप जितना कर रहे हैं उतना ही प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि डीलेस आपको महसूस होंगे, आपके पेमेंट में डीलेस महसूस होंगे, आपके जो एक्सपेक्टेशन है कि आप मल्टीपल इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ डीलेस होंगे, तो यहाँ मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये समय ऐसा है कि जितना करेंगे उतना ही प्राप्त होगा, कुछ डीलेस आपके साथ रहेंगे। और यहाँ 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में है, जो भी स्टूडेंट स्पेशली कहा जाए कि MBA करने के लिए, मेडिसिन के लिए या IT क्षेत्र में जाने के लिए अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं, और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क उठाएंगे तो आपको नुकसान डेफिनेट होगा। जिनके भी लीगल मैटर चल रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, तो देखिए मंगल की और शनि की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है 15 तारीख तक आपको अपने स्वभाव को कंट्रोल रखना ही होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए जो भी परिस्थिति है उसमें अपने स्वभाव को संयम में रख के आप अपने निर्णय लीजिए और पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।